अपने ब्रेकअप के मामले में रणबीर कपूर एक महीने से साइलेंट हैं। संडे को फुटबॉल मैच खेलते हैं, इवनिंग्स में पार्टीज में जाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। दूसरी ओर कैटरीना कैफ अपनी फ्लॉप फिल्म फितूर की रिलीज से पहले ब्रेकअप की न्यूज का यूज इसके प्रमोशन के लिए करती रही, लेकिन इंडिकेशंस हैं कि वो रणबीर कपूर से पैचअप करेंगी। कैटरीना कैफ के एक करीबी सोर्स ने बताया, वो अभी ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाह रही जिससे कपूर फैमिली और रणबीर हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर लें। वो इस कोशिश में है कि रणबीर से किसी तरह पैचअप कर लें। इस ब्रेकअप की बात को लवर्स के बीच होने वाले झगड़े का नाम देकर पीछे छोड़ दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि फितूर के प्रमोशंस में कैटरीना ने सलमान के नाम और फ्रेंडशिप का काफी फायदा लिया। प्रमोशन के दौरान वो सलमान से मिलती रही, लेकिन रणबीर नाराज ना हो जाए इसलिए सलमान की बहन अर्पिता के बेबी शावर जैसे खास सेलिब्रेशंस में नहीं गई, जबकि वहां सलमान के और फ्रेंड्स प्रेजेंट थे। कैटरीना कैफ कितने कॉशन से एक एक कदम चल रही है, इसका अजम्पशन इस बात से किया जा सकता है कि जब सलमान से वो अलग हुई थी तो फौरन अपना फोन नंबर भी बदल लिया था, लेकिन अभी रणबीर के साथ ब्रेकअप हुआ तो नंबर नहीं बदला। दोनों के फोन में 888 आता है। रणबीर की सब गाड़ियों के नंबर भी 8 हैं। मोबाइल नंबर भी उन्होंने 888 के डिजिट्स वाला ही लिया था। मां नीतू कपूर की डेट ऑफ बर्थ को रणबीर लकी मानते हैं। रणबीर से अफेयर शुरू होने के बाद कैटरीना ने भी मोबाइल नंबर बदला और इसमें 888 रख लिया। रणबीर और नीतू को इम्प्रेस करने की शायद ये एक कोशिश रही होगी। करीबी सोर्सेज मानते हैं कि उन्होंने फोन नंबर इसलिए नहीं बदला है क्योंकि वो पैचअप का रास्ता खुला रखना चाहती हैं।